हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है नवरात्रि के शुरुआत तो कही है, आज है पड़वा। तो अभी पे मैं नहा के पूरा रेडी हो चुकी हूँ और 8 बज चुके हैं। तो अभी पूरा रेडी हो चुकी है, पूजा की तैयारी भी मैंने कर ली है। अभी हम पूरी दिन में करते हैं पूजा, और पूजा करते मैं देखो अगर वीडियो बनाती हूँ, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। गाइस, अभी चल रही पूजा की तैयारी। ये पूजा मंदिर में मैंने सब पूरा रेडी हो गया है, और यहाँ थाली में मैंने ले ली है अग्यारी, सिंदूर, बताशे, लौंग, और अभी जो है कंडी मेरी अभी गैस पर रखी हुई है, वो भी अभी हो जाएगी, फिर हम पूजा स्टार्ट करते हैं। अभी पहले मैं बताशों में लगा लेती हूँ दो दो लौंग। गाइस, जब तक कि मेरी ये पूजा की तैयारी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक थोड़ी जानकारी आप लोगों से शेयर की जाए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाया जाता है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बताना चाहती हूँ। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था, और माँ दुर्गा के जन्म दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है, और इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। और यहाँ हो चुकी थी हमारी पूजा स्टार्ट। मेरे ससुराल में यहाँ पर जो वो होती है कंडी, वो 2 कंडी रखी जाती हैं। तो पहले हमने गायत्री मंत्र पढ़े, उसके बाद अम्बे जी की आरती करी, फिर जगदीश जी की आरती करी, उसके बाद गणेश जी की आरती करी, और लास्ट में मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ किया। दुर्गा चालीसा जो होती है, चालीसा, उसका पाठ किया। तो और आगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि हिंदू देवता के 7वें अवतार विष्णु और अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र का जन्म इसी समय में हुआ था। और इस दिन भगवान राम के जन्म और जीवन से जुड़े स्थानों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। एक पुरानी कथा के अनुसार ये मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी, और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे, उसी का वध माँ दुर्गा ने किया था। नवरात्रि में पहला दिन जो कि पड़वा के नाम से जाना जाता है, पहले दिन जो है हम माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। इन्हें हम हेमावती तथा पार्वती के नाम से भी जानते हैं। शैलपुत्री माँ की सवारी वृष होने के कारण इनको वर्षा रूढ़ा भी कहा जाता है।
इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो होते हैं दो हाथ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए हैं। इनकी जो मुद्रा होती है वो ही बहुत रूप यह रूप जो इनका होता है वो सुखद मुस्कान और आनंदित दिखाई पड़ता है। इनका जो ग्रह है वो है चंद्रमा। माँ का यह देवी शैलपुत्री रूप सभी भाग्य का प्रदाता है। चंद्रमा के पड़ने वाले किसी भी बुरे प्रभाव को नियंत्रित करती है। और कहा जाता है कि हमें नवरात्रि के पहले दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए जो कि इनका शुभ रंग है। आशा करती हूँ कि मैंने आप लोगों को काफ़ी जानकारी दे दी होगी और शायद ये सही भी होगी, तो अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मेरी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और ये ब्लॉग मैं आज यहीं ख़त्म करूँगी, लेकिन मैं आगे वीडियो में ही नहीं दिखा पाई इसलिए मुझे बाद में अपनी वॉइस एडिट करनी पड़ी, क्योंकि फिर पूजा होती है फिर थक जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है फिर साफ़ सफाई, तो इस वजह से फिर अगला ब्लॉग जो है वो शाम का है जो कि मैंने फलहारी बनाया था, वो ब्लॉग आपको मैं कल अपलोड करूँगी आप लोग के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, मैंने नवरात्रि के पहले दिन क्या क्या बनाया फलहार में उसको जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। तो आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है जो कि कल आएगा वो आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।